नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत पर कौन से ऐसे 11 विदेशियों ने राज किया, शासन किया, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, जिसके चलते देश के हिंदू और मुसलमानों में भ्रम और द्वेष की स्थिति फैल गई जो आज तक फैली हुई है। इतिहास के इस भ्रम और झूठ को हटाकर अब लोगों को सत्य बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतिहास के सच को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे कि वो है, जस का तस। किसी भी प्रकार की सच्चाई को छिपाना इतिहास के साथ खिलवाड़ करना है। जिस देश के पास अपना खुद का कोई सच्चा इतिहास नहीं, उस देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता और गौरव बोध की भावना का विकास होना भी मुश्किल होता है। संपूर्ण भारत पर कोई विदेशी पूर्णतः शासन नहीं कर पाया है। हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, युधिष्ठिर और उनके पूर्ववर्ती राजाओं के अलावा राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मिहिरकुल ने ही संपूर्ण भारत पर शासन किया था। इसके बाद अंग्रेज काल में अफगानिस्तान को भारत से मुगल काल में ही अलग कर दिया गया था। ऐसे में अंग्रेज ने जिस भारत पर शासन किया वो एक खंडित भारत था। सन 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। अब हिंदू कुश से लेकर कर्नाटक एवं बंगाल तक एक ही राजवंश का आधिपत्य नहीं रहा और छोटे छोटे जनपदों देश में बिखर गया। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों में कई विदेशियों आक्रांताओं ने आकर अनेकों भागों में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन विदेशियों के कारण ही भारत में एक ओर जहां वैचारिक भिन्नता का जन्म हुआ, वहीं विदेशी धर्मों का विकास हुआ। विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसका असर आज तक भारत पर देखने को मिलता है। उनके कारण जहां अखंड भारत खंड खंड होता गया, वहीं भारतीयों में ही अब धर्म, जाति आदि के नाम पर फूट हो गई। जातियों के प्रति गहरी आस्था का कारण वर्ण संकर समाज से बचने का था। आज भारत में जो भी जाति, धर्म या समाज नजर आते हैं, उन सभी की शुरुआत ईसा की प्रारंभिक 3-4 शताब्दी में हुई। उन विदेशी आक्रांताओं के बारे में जिन्होंने भारत पर शासन करके भारतीय अस्मिता और गौरव को लगभग नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, उनमें से कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को संरक्षण भी प्रदान कर भारतीय जनता को जीने का अधिकार दिलाया। यूनानी शासक ईसा पूर्व। यूनानियों ने भारत के पश्चिम छोर के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया। बौद्ध काल में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। यूनानियों ने सबसे पहले इसी आर्यन क्षेत्र पर आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों को अपने अधीन ले लिया। भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले आक्रांता थे बैक्ट्रिया के ग्रीक राज। इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से जाना जाता है। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली सिकंदर 356 ईसा पूर्व था, जिसे उसके देश में अलेक्जेंडर और भारत में अलक्षेंद्र के नाम से कहा जाता था। सिकंदर ने अफगानिस्तान एवं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था। बाद में इस भागों पर उसके सेनापति सेलुकस ने शासन किया। हालांकि सेलुकस को ये भूमि भाग चंद्रगुप्त मौर्य को समर्पित कर देना पड़ा। बाद में एक शासक डेमेट्रियस प्रथम ईसा पूर्व 220 से 175 में भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व 183 के लगभग उसने पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया।
और साक को अपनी राजधानी बनाया। यूक्रेटी दस्त भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस का अधिकार पूर्व पंजाब और सिंध पर भी था। भारत में यवन साम्राज्य के दो कुल थे, पहला डेमेट्रियस और दूसरा यूक्रेटिदस के वंशज मिनेट, ईसा पूर्व 160 से 120। ये संभवतः डेमेट्रियस के कुल का था। जब भारत में नौवा बौद्ध शासक बृहद्रथ राज कर रहा था, तब ग्रीक राजा मेनेडर अपने सहयोगी डेमेट्रियस के साथ युद्ध करता हुआ सिंधु नदी के पास तक पहुंच चुका था। सिंधु के पार उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस मिनिदर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा जाता है। हालांकि बाद में मिनिदर ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। मिलिंद पंजाब पर राज्य करने वाले यवन राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा था। उसने अपनी सीमा का स्वाद घाटी से मथुरा तक विस्तार कर लिया था। वो पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। शक शासन, ये दूसरे विदेशी आक्रमण करने वाले शासन करने वाले थे। शक शासन 123 ईसा पूर्व से 200 ईसा, हम यहां शक की बात कर रहे हैं, शाक्यों की बात नहीं। शक और शाक्य में फर्क है। शाक्य नेपालवंशी है जो शकों को विदेशी माना जाता है। शक कौन थे, इस पर विवाद हो सकता है। जो भी हो, शक का भारत के इतिहास पर गहरा असर रहा। शकों ने ही ईसा 78 में शक संवत शुरू किया था। महाभारत में भी शकों का उल्लेख है। शुंग वंश के कमजोर होने के बाद भारत में शकों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। कौन थे शक? शक शासन को भी विदेशी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के बाहर से आकर भारत के एक भूभाग को हड़प कर भारत में शासन किया था। शक शासन उत्तरी चीन तथा यूरोप के मध्य स्थित जिंगजियांग प्रदेश के निवासी थे। कुशानों एवं शक का कबीला एक ही माना जाता है। हालांकि ये शोध का विषय है, इतिहासकार में इसको लेकर मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में शक जाति की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा नरिश्यंत से कही गई है। राजा सगर ने राजा निश्यंत को देश से निर्वासित किया था। वर्णाश्रम आदि के नियमों का पालन ना करने के कारण तथा ब्राह्मणों से अलग रहने के कारण वे मलिच्छ हो गए थे। उन्हीं के वंशज शक कहलाए। इतिहासकार मानते हैं कि शक प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाले स्कंदी लोग की एक जनजातियों का समूह था, जो सिर नदी की घाटी में रहता था। युईश लोग तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के सीमांत पर निवास करते थे। युईशी लोग पर जब चीन के हूणों ने आक्रमण किया, तो उनको अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने शक पर आक्रमण कर उनका स्थान हड़प लिया। तब शकों को अपना स्थान छोड़कर जाना पड़ा। हूणों ने युईशियों को धकेला और युईशियों ने शकों को। शकों के बाद में बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर हिंदू कुश के मार्ग से भारत में प्रवेश किया। बैक्ट्रिया के यवन राज्य का अंत शक जाति के आक्रमण द्वारा ही हुआ था। शकों ने फिर पार्थिया के साम्राज्य पर आक्रमण किया। पारसी राजा मिथिदातस द्वितीय 123 से 88 ईसा पूर्व ने शकों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। मिथिदातस की शक्ति से विवश शकों ने वहां से ध्यान हटाकर भारत की ओर लगा दिया। भारत में शकों का शासन, संपूर्ण भारत पर शकों का कभी शासन नहीं रहा। भारत के जिस प्रदेश को शकों ने पहले अपने अधीनस्थ किया, ये यवन के छोटे छोटे राज्य थे। सिंध नदी के तट पर स्थित मीन नगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। भारत का ये पहला शक राज्य था। इसके बाद गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र को जीतकर उन्होंने अवंतिका पर भी आक्रमण किया था। उस समय महाराष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग को शकों ने सातवाहन राजाओं से छीना था और उनको दक्षिण भारत में ही समेट दिया था। दक्षिण भारत में उस वक्त
पांडियनों का भी राज था। एक जैन जनश्रुति के अनुसार भारत में शकों को आमंत्रित करने का श्रेय आचार्य कालक को है। ये जैन आचार्य उज्जैन के निवासी थे और वहां के राजा गद्दभिल्ल के अत्याचारों से तंग आकर सुदूर पश्चिम के पार्थियन राज्य में चले गए थे। कालकाचार्य ने शकों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालक के साथ शक लोग सिंध में प्रविष्ट हुए और इसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र को जीतकर उज्जैन पर आक्रमण किया और वहां के राजा गद्दभिल्ल को परास्त कर दिया। शक राजाओं ने गंधार, सिंध, महाराष्ट्र, मथुरा और अवंतिका आदि क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर लंबे काल तक राज्य किया। उज्जैनी का पहला स्वतंत्र शक शासन चष्टन था। इसने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया। इसके अनुसार इस वंश का राज्य 130 ईसा से 388 ईसा तक चला, जब संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस कुल को समाप्त किया। उज्जैन के क्षत्रपों में सबसे प्रसिद्ध रुद्रदामा 130 से लेकर 150 ईसा तक था। कुषाण लगभग 60 से लेकर 240 ईसा तक। कुषाण कौन थे ये भी शोध का विषय है, लेकिन उनमें से कुछ पारसी थे और भारत में रहने वाले बौद्ध थे। कुषाणों के बारे में मथुरा के इतिहासकार मानते हैं कि वे शिव उपासक और कुष्मांडा जाति के थे। इस जाति के लोग प्राचीन काल में भारत से बाहर जाकर बस गए थे और जब वे शक्तिशाली बन गए तो उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। शक और कुषाणों के काल में रोमन साम्राज्य का उदय हो रहा था। पार्थियन, शक और कुषाणों ने मिलकर मध्य एशिया पर लंबे समय तक राज किया था। कौन थे कुषाण? हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। यूची कबीले के लोगों ने हूणों के आक्रमण से घबराकर अपने क्षेत्र को छोड़कर उस समय सीर नदी की घाटी में रहने वाले शकों पर आक्रमण कर दिया। 25 ईसी के लगभग इस राज्य का स्वामी कुषाण या कुषाण नाम का वीर पुरुष हुआ। उसने धीरे धीरे अन्य युईशी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। बाद में इनकी एक शाखा को शकों की तरह मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया और उन्होंने भी काबुल कंधार का रुख किया। कुषाणों का भारत में शासन। उस काल में यहाँ के हिंदू यूनानी कमजोर राजा थे। उनको आसानी से परास्त करने के बाद कुषाणों ने काबुल और गंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया। इस दौरान उनके प्रथम राजा का नाम कुजुल कनफासिस था। कुजुल ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसे हुए पल्लवों को भी पराजित कर अपना शासन विस्तार कर लिया। बाद में कुषाण का शासन पश्चिम बंगाल तक हो गया। कुषाण के पश्चात उसके पुत्र विमतक्ष ने कुषाण राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। बाद में कुषाणों ने शुंग साम्राज्य के पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में ले लिया। भारत में उन्होंने अपने विजित प्रदेशों का केंद्र मथुरा को बनाया। कुषाणों का शासन कभी भी पूर्व उत्तरी भारत, दक्षिण भारत और गुजरात में नहीं रहा। हालांकि कुषाणों का साम्राज्य भारत से बाहर कहीं ज्यादा विशाल था। उनका साम्राज्य चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान तक फैला था। दक्षिण भारत में उस वक्त सातवाहन और पांड्यन राजाओं का राज्य था, तो उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्र में कलिंग का राजा था। सम्राट कनिष्क प्रथम 127 ईसी से 140-150 के लगभग कुषाणों में सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ कनिष्क। अफगानिस्तान के बच्चे के नाम और उनके यहाँ के स्थान के नाम आज भी कनिष्क के नाम पर मिल जाएंगे आपको। सम्राट कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तर सिंध तथा पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। कुषाण राजाओं में क्रमशः कुजुल कनफाइसिस, विमतक्षम, विम कनफाइसिस, कनिष्क प्रथम, वासिष्क, हुविष्क, वासुदेव कुषाण प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्क, कनिष्क तृतीय और वासुदेव कुषाण द्वितीय का नाम प्रमुख है। 151 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। कनिष्क का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उसकी उत्तर सीमा चीन के साथ छूती थी। चीन की सीमा तक विस्तृत विशाल कुषाण के लिए कनिष्क ने एक
नए पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे पुष्पपुर का नाम दिया। यही आजकल पेशावर है जो अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कनिष्क ने एक स्तूप बनाया था महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल 7वीं सदी में, जब प्रसिद्ध चीनी यात्री हान एन तेनसांग भारत भ्रमण करने के लिए आया तो इस विशाल स्तूप को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उल्लेखनीय है कि कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया और उसे विशेष बढ़ावा दिया। उसने कार्तिकेय यानी शिव के पुत्र और उसके अन्य नामों विशाखा, महासेन और स्कंद का अंकन भी अपने सिक्कों पर करवाया। माना जाता है कि इराक के यजिदी लोग भी कार्तिकी की पूजा करते हैं और उनका संबंध भी कनिष्क से था। हुणों का शासन। हुणों मध्य एशिया की एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। भारतीय इतिहास में हुणों के राजा तोरमान और उसके पुत्र मिहिर गुल का नाम प्रसिद्ध है। हुणों ने पंजाब और मालवा की विजय करने के बाद भारत में स्थानीय निवास बना लिया था। उत्तर पश्चिम भारत में हुणों द्वारा तबाही और लूट के अनेक उल्लेख मिलते हैं। हुणों का राजा अफगानिस्तान सहित पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर रहा, दक्षिण भारत पर नहीं। हुणों के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। इतिहासकार मानते हैं कि हुणों उत्तरी चीन की एक बर्बर जाति थी। हालांकि भारत के पौराणिक इतिहास में इनके बारे में कुछ और ही उल्लेख मिलता है। मथुरा उत्तर प्रदेश के हुणों ने मंदिर, बुद्ध और जैन स्तूप को क्षति पहुंचाई और लूटमार की। मथुरा में हुणों के अनेक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। अंत में मालवा के राजा यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर 528 ईस्वी में हुणों के राजा तोरमान को हरा दिया। हुणों भारत में ही बस गए और उन्होंने यहाँ के धर्म, कला और संस्कृति को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अरबी ईरानी शासन 1711 से लेकर 1715 ईस्वी तक। शक कुशान और हुणों के पतन के बाद भारत का पश्चिमी छोर कमजोर पड़ गया। तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से फारस साम्राज्य के अधीन थे तो बाकी भारतीय राजा के, जबकि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र सत्ता थी। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ में ज्यादा रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 1712 में इराकी शासक अल हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लाम के प्रवेश के पहले अफगानिस्तान, कंबोजिया और गंधार में बौद्ध एवं हिंदू धर्म यहाँ के राजधर्म थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को अपने अधीन लेने के बाद सिंध पर आक्रमण कर दिया। सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर सेन का बेरहमी से कत्ल कर उसकी पुत्रियों को बंधक बनाकर ईरान के खलीफाओं के लिए भेज दिया गया। कासिम ने सिंध के बाद पंजाब और मुल्तान को भी अपने अधीन कर लिया। इस्लामी खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर इसी सन 638 से 711 तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उस दौर में अफगानिस्तान में हिंदू राजशाही के राजा अरब और ईरान के राजाओं से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद ये स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। 6वीं शताब्दी तक ये एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज्य करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो लेकिन वे सभी आर्य थे। वे तुर्क और पठान आर्यवंशी राजा थे। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंत देव, भीम, अष्टपाल, जयपाल
आनंद पाल, त्रिलोचन पाल, भीम पाल आदि उल्लेखनीय है। इन काबुलशाही राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब हतताइयों और लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत नहीं घुसने दिया। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्ध का जबरदस्त धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयां चली और अंत में 1019 में महमूद गजनवी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। कजाकिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए। 714 ईस्वी में हज्जाज की और 715 ईस्वी में मोहम्मद खलीफा की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। कासिम के जाने के बाद बहुत से क्षेत्र फिर से भारतीय राजाओं ने अपना अधिकार जमा लिया, परंतु सिंध के राज्यपाल जुनैद ने सिंध और आसपास के क्षेत्र में इस्लामिक शासन को जमाए रखा। जुनैद ने कई बार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। नागभट्ट प्रथम, पुलकेशी प्रथम एवं यशोवर्मन ने इसे वापस खदेड़ दिया। आपको मैं 5 शासनों के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।